हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ब्लॉग को पूरा देखना एंड तक। तो हाय गाइस, अभी बज रहे शाम के 7, मतलब नाइट हो चुकी है और मैं हूँ अभी रानू की बुआ के घर पे, जो कि मैं किचन में देख सकते हो आप सब्जी बना रहा हूँ। तो आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या क्या है सब्जी में। तो गाइस, अभी सब्जी का मसाला पक रहा है और थोड़ी देर में ये अभी तैयार होने वाला है। और इधर ये आलू और मटर, आलू उबले हुए हैं और इधर धनिया काट के रखा हुआ है। तो अभी मसाला पक रहा है, वेट करते हैं, मसाला पकने के बाद फिर सब्जी बनाते हैं। और रानू अभी उधर है, तो ये रानू उधर ये आटा लगा हुआ है और उधर क्योंकि छोटी सी बच्ची का वो सिर दर्द कर रहा है, तो रानू अभी सिर दबा रही है उसका, छोटी वाली बच्ची का। तो सब्जी बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस, आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि सब्जी में क्यों बना रहा हूँ और रामू की बुआ के घर पे हम लोग यहाँ पे क्यों है। तो गाइस, मैं बता दूँ कि रामू की बुआ की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो अभी रामू की बुआ है हॉस्पिटल में एडमिट है और फूफा जी भी वहीं है, तो रामू की बुआ दोनों वहीं हैं। तो घर पर कोई नहीं है, रामू और हम दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ से हम खाना बना के और फिर लेके जाएंगे हॉस्पिटल में। तो मैं सब्जी बना रहा हूँ, सब्जी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी छोटी वाली बच्ची है, रानू की बुआ की छोटी वाली लड़की है, तो उसका सिर दर्द कर रहा है, तो रानू उसका सिर दबा रही है बैठे बैठे। तो उधर आटा भी लगा रही है और इधर मैं सब्जी का काम कर रहा हूँ। सब्जी बनने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, चलते हैं हॉस्पिटल। तो गाइस, सब्जी उब्जी बन के कम्प्लीट हो चुकी है, अब लगा रही है रानू आटा क्योंकि खाना भी बनाना है। और ये छोटी वाली गुड़िया है, अब ये बैठ चुकी है क्योंकि पहले इसका सिर दर्द कर रहा था, गेम खेल रही है अभी बैठे बैठे, कि इसका भी यही काम है। और अब की आटा लगने के बाद, अभी गुन्नू कोचिंग गई हुई है, गुन्नू आते ही आटा लगने के बाद खाना बना के फिर चलेंगे हॉस्पिटल। अभी ये गाय मेरे से बहुत शर्माती है, बहुत ज़्यादा लवी, ये मेरे से बोलती नहीं है गाय, इसको बहुत शर्माती है मेरे से बोलने में। देखे देखे चेहरा दिखा दो लवी, क्या हुआ? हाँ, तो गाइस खाना बन चुका है, मेरे को तो लग रही है बहुत जोरों से भूख क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया, इसलिए मैं खा लेता हूँ। सब्जी आ चुकी है और उधर रानू है, रोटी बना रही है और ये खाना आ चुका है और छोटी वाली चुलबुल पांडे बैठे बैठे उधर टीवी देख रही है। तो गाइस, खाना शुरू करते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी गुन्नू आ रही है, गुन्नू आ चुकी है, उसको पता नहीं था, वो अभी देख के चुप गई हो, और आज तो उसको मेरे को ब्लॉग में लेना है, ये कुछ भी हो जाए मुँह छुपा के आएगी वो, क्योंकि इसने पहले वाली भी वीडियो डिलीट कर दी इसने ब्लॉग में। देख, हाय करना गुन्नू इधर। तो गाइस, मुँह छुपा रही हो, तो अपन खाना शुरू कर दे और इधर रानू रोटी लेके आई है, तो अभी खाना कंटिन्यू करते हैं अपन। तो गाइस, गाड़ी कंप्लीट है और रानू और गुन्नू आ गई घर से निकल के, तो चलते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल और मिलते हैं आप लोगों से हॉस्पिटल में। तो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल के अंदर। और तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं वार्ड पे और बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख लो आप लोग यार, इतने सारे मरीजों के पड़े। और ये पिंकी बुआ फूफा जी दोनों, कैसे की तबीयत? ठीक जन तबीयत अब? तो गाइस, मैं आया था इधर सेव लेने क्योंकि रानू की बुआ खाना नहीं खा रही, तो बाहर मार्केट में सेव लेने आया था। रानू और अभी वहीं है, तो चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और अब चलते हैं घर पे, तो घर पे चलने की तैयारी हो रही है। और सारे अबे हॉस्पिटल में भी यार तुम लोग रास्ता भूल रहे हो यार। तो गाइस, आ चुके हैं सबके सब और अब चलते हैं, तो कंटिन्यू, तो आप लोगों से मिलते हैं घर पे डायरेक्ट क्योंकि अब घर जाने की तैयारी हो रही है। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पे और अभी लवी पीछे डांस कर रही है और गुन्नू इधर ये हमेशा मुँह छुपाती रहती है, कुछ कर रही है, रानू हाथ धो रही है, तो मिलते हैं आप लोगों से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आज दूसरा दिन क्योंकि हम रात को यहीं पे सोए थे क्योंकि पिंकी बुआ के घर पे कोई नहीं था और दोनों लड़कियां अकेली थी गुड़ वगैरह, तो रानू और हम दोनों यहीं घर पे सोए थे। तो अब चल रहे हैं क्योंकि रानू को स्कूल जाना है, तो अब चल रहे हैं सुबह सुबह घर पे और चाबी का है, चलते सुबह सुबह यहीं सोए थे क्योंकि रानू को भी स्कूल जाना है। But I'm so-
हाय गाइस, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और आप लोगों को मिल रहा हूँ मैं डायरेक्ट नहा धो के। तो गाइस रानू भी स्कूल जा चुकी है और मेरे को जाना है हॉस्पिटल, तो मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। तो चलते गाइस हॉस्पिटल और आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पे। हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ और मेरे को पहुँचे बहुत टाइम हो गया और रानू की अगर डिस्चार्ज हो गया तो मैं जा रहा हूँ इधर टेबलेट वगैरह लेने डिस्चार्ज की जो भी है। तो डिस्चार्ज करवाने के बाद मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर से हॉस्पिटल की गली में घूम रहा हूँ और बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ कि खिड़की नंबर 3 का है कि वहाँ से टेबलेट वगैरह मिलेगी। तो गाइस ढूंढते हैं और फिर चलते हैं। गाइस फाइनली ढूंढते मैं पहुँच चुका हूँ 3 नंबर खिड़की पे और अभी बहुत लंबी लाइन लग रही है, तो वेट करते हैं नंबर आने तक फिर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।